हमारा संविधान जब बना 1950 में और हमारा देश जब बना 47 में, तो एक बुनियादी एक समझ हमारी थी जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन से निकली थी कि ये जो देश बनेगा वो कोई धन के आधार पे या कोई जात के आधार पे या कोई लिंग के आधार पे नहीं बनेगा, इसमें समानता और बराबरी का एक मतलब फाउंडेशन रहेगा और ये हमारी नागरिकता की बुनियाद रही है भारत की, हिंदुस्तान। अफसोस की बात हुई कि बंटवारा विभाजन हुआ और एक ऐसा मुल्क बना पाकिस्तान जो एक धन के मज़हब के नाम पे बना, और वही जो एक चीज़ हुई उसके वजह से हमारे आज के हमारे मुसलमान भाई बहनों को आज भी यहाँ पे उसके एक पूरा एक कलंक लग के इनको बार बार उसका जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने अपना वतन को चूज़ किया, उन्होंने ये किया कि हमको यहाँ रहना है, फिर भी बार बार उनको उसी का एक जवाब देना पड़ रहा है, चाहे वो दंगा हो या आज NRC का एक पूरी एक मुहिम जो चलाई जा रही है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 5 मतलब 5 से लेके 11 तक नागरिकता के ऊपर लिखा गया है। हाँ, मैं मोटा आपको बता रही हूँ। और 1950 में जो ये कहा गया कि जो भी ये देश में पैदा हुआ है या पैदा हुई है उसको ये देश का नागरिक बनने का अधिकार है, और ये बुनियादी अधिकार रहा था। और आर्टिकल 11 में सांसद को, पार्लियामेंट को ये हक भी दिया गया कि आप बार बार इसको रिव्यू कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी परिभाषा को ये जन्म की है या आपको थोड़ा सा अमेंड करना है, थोड़ा उसमें बदल लाना है, तो ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया। तो इसीलिए आज अगर हम देखें, आसाम को एक मैंने छोड़ दें और बाकी भारत में देखें, 1987 तक जो भी पैदा हुआ, 1987 से पहले जो भी यहाँ पे पैदा हुआ है या हुई है, उनको यहाँ पे रहने का पूरा अधिकार है, पैदाइशी अधिकार 87 तक। हाँ, 87 तक, 87 से लेकर 2004 के बीच में जो भी यहाँ पे पैदा हुआ है या हुई है, उनको यहाँ रहने का हक है अगर आपके माता या पिता में से एक यहाँ पे 87 से पहले पैदा हुए हैं, तो अगर उनका पैदाइशी अधिकार है तो आपका भी बन जाता है, ठीक है। 2004 के बाद ये कहा गया कि अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं आज तक, मतलब 2019 तक, तो आपको आपके एक माता या पिता में से एक को यहाँ पे पैदा होना चाहिए था 87 के पहले, और दूसरे जो पेरेंट है माता या पिता वो इलीगल इमिग्रेंट मतलब गैर कानूनी रूप से कोई दूसरे देश से नहीं आए हुए हो, तो आपको यहाँ पे पैदाइश अब यहाँ का नागरिकता का हक है। इसके अलावा भारत में दूसरे भी तरीके हैं नागरिक बनने के, जैसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, मतलब आपने नाम सुने होंगे, बड़े बड़े नाम जो बाहर से आके लोग रहते हैं यहाँ पे, गरीबों के लिए काम करते हैं, एकेडेमिक्स होते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जॉन ड्रेस का एक नाम है, बाकी नाम भी होते हैं, वो यहाँ रह के अप्लाई करते हैं कि हमको यहाँ के देश की नागरिकता चाहिए, और फिर सरकार उनको देती है या कभी कभी नहीं भी देती है मगर देती है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन भी है, डिसेंट भी है, और पैदाइशी है। तो ये अलग अलग तरीके हैं भारत में नागरिक बनने के। अभी ये समझना और ज़रूरी है कि 2014 के बाद, हालांकि NDA-1 की सरकार 99 से लेकर 2004 में भी थी, और मैं ये सरकार को क्यों अलग कर रही हूँ ये भी मैं बताऊँगी, मगर उस वक्त वो माइनॉरिटी सरकार थी, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, वो उनका आधार दूसरे पार्टीज पे था, जैसे तेलुगु देशम, जैसे ममता बनर्जी की तृणमूल, जैसे उमर अब्दुल्ला, ये पार्टीज भी उनको सपोर्ट कर रहे थे सरकार बनने में, इसीलिए उनकी मेजॉरिटी सरकार नहीं थी, बहुसंख्यक वो नहीं थे, ताकि वो अपने आइडियोलॉजी, अपनी जो सोच विचारधारा पे चल नहीं सकते थे पूरी तरह। कोशिशें तब भी हुई है टेक्स्ट बुक बदलने की, इतिहास बदलने का, मगर जिस हद तक 2014 के बाद हुआ है वैसे नहीं हुआ है। 2014 में पहली बार ऐसी सरकार बनी, जो मैं बार बार कहती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ताकत है जो बुनियादी स्तर पर संविधान में नहीं मानता या मानती, और वो मानता है कि नागरिकता बराबरी के आधार पे नहीं होनी चाहिए। ये हमें बहुत हमको गहराई से समझना पड़ेगा कि पहली बार हमारे सांसदीय पद पे, हमारे सरकारी पद पे ऐसे लोग बैठे हैं
हमारे संविधान के आधार पे बैठे हैं, मगर वो संविधान में नहीं मानते। और इसीलिए पहली बार 2016 में हमारे नागरिकता को लेकर जो आपने सवाल किया कि संविधान कहता है कि ये है आधार है नागरिकता, और हमारा एक कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कहता है, जो मैंने कहा 87 का, 2004 का, पहली बार 2014 के बाद ये सरकार कहती है कि हम ये बराबरी का जो की बुनियाद है उसको हम बदलें, और उन्होंने अमेंडमेंट लाने की कोशिश की। अभी वो अमेंडमेंट में क्या चीज़ें हैं वो भी समझना ज़रूरी है कि ये, क्योंकि ये नागरिकता की बुनियाद को हिलाता है, वो गैर बराबरी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ये अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर आप ये तीन देशों से भारत में आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, और अगर आप ये 7-8 कौम से हैं, मुसलमान छोड़कर, साफ साफ बात है उसमें कि मुसलमान छोड़कर अगर आप क्रिश्चि है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, तो आप कह सकते हैं कि हम वो देश में, हमें हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हम परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक के तौर पे हमें परसिक्यूशन हुआ, और इसीलिए हमें यहाँ पे आके हम अप्लाई कर सकते हैं नागरिक बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, मगर सरकार आपके पीछे नहीं पड़ेगी, आप रह सकते हैं। और पहला जो 12 साल लगते थे अप्लाई करने के लिए, ऐसे तबकों को 6 साल में एप्लीकेशन उनका पास हो जाएगा। ऐसे ये अमेंडमेंट 2016 में अमेंडमेंट में था, और ये लोग शायद वही लाएंगे, अभी हम लोगों ने देखा नहीं। आज तक सुबह मैंने पार्लियामेंट की वेबसाइट पे देखा, अभी तक वो नया बिल टेबल नहीं हुआ। अब इसमें वो लोग क्या लाना था? अभी बुनियादी स्तर पे उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये गैर बराबरी का मामला रखा कि अगर आप उस रोहिंग्या हैं तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा भारत में, अगर आप अहमदिया है पाकिस्तान से, जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो एक मुसलमान को इस तरह अलग 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 नज़रिए से कानूनी स्तर पे देखना पहली बार हमारे नागरिकता के कानून या कोई भी कानून में पहली बार हो रहा है ये अमेंडमेंट के जरिए। इसलिए हमको ये बैकग्राउंड हमारे दिमाग में रख के फिर हमको NRC का समझना पड़ेगा। वापस आए हम लोग नागरिकता पे, ठीक है? तो नागरिकता का ये सवाल देश भर में या दुनिया भर में आप देखेंगे तो हमारे जैसे दूसरे भी देश हैं जो पैदाइशी हक देते हैं। कनाडा तो अभी भी कहती है आपको कि अगर आप 5-10 लाख रुपए आपने दे दिया तो आप बाकी पेजेस पे ही कर सकते हैं, कंट्रीज को इन्वाइट भी करते हैं कि आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं वगैरह वगैरह। मगर नागरिकता का हक, आप गरीब हो या अमीर हो, आपके लिए बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम हो, चाहे वो कुछ भी भूखमरी की स्कीम हो, शिक्षण तालीम की स्कीम हो, महिला की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, आपको वो मिलेगी नहीं अगर आपको नागरिकता का दर्जा आपके पास नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें नागरिकता से बहुत ही गहरी और बुनियादी स्तर से जुड़ी हुई है, ठीक है।